इंदौर सिटी के गांव पनभेड़ा में चल रही भागवत कथा के पांचवें दिन बुधवार को कथावाचक साध्वी प्रिया किशोरी वंदावन वाली ने कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग का श्रृंगार रसमयी वृतांत सुनाकर पांडाल को भाविभोर कर दिया। साध्वी किशोरी प्रिया ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रिया रुक्मणी के अनन्य प्रेम को देखकर मंदिर से हरण कर लिया। ये सब प्रसंग साध्वी ने गदगद होते हुए सुनाया। जिन्होंने बताया कि प्रेम अथक होता है जिसे दिल से समझा जाता है, प्रेम की भाषा नहीं होती। वही कथा के दौरान कृष्ण रुक्मणी के सजीव झांकी दिखाए गए, जिसमें श्रोताओं ने झांकी दर्शन करके खूब दान दिया। गांव में माता भरोसी देवी के सहयोग से भागवत कथा यज्ञ चल रहा है, जिसके समापन पर 7 जून को विशाल 180 गांव का भंडारा किया जाएगा। स्थानीय निवासी मुनिराज मीना ने बताया कि आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने कथा अमृत का पान किया, जिसके बाद में पूरा गांव भक्ति रस से परिपूर्ण दिखाई दिया। इसी के साथ